में पढ़ेंगे हम sp2 संकरण के बारे में। कार्बन की विन्यास है 1s2, 2s2, 2p2। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन p कक्षक और दो इलेक्ट्रॉन s कक्षक में है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में केवल दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में s में से एक इलेक्ट्रॉन p में जाएगा। इस तरह से चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए। एक s और तीन p कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन sp2 संकरण में केवल एक s और दो p कक्षकों का को मिलाया जाता है, जिससे कि sp2 संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम जितने परमाणविक कक्षकों को मिलाते हैं उतनी ही संख्या में संकर कक्षक प्राप्त होंगे, अतः यहाँ तीन कक्षकों को मिलाने पर तीन ही sp2 संकरित कक्षक प्राप्त हो रहे हैं। इन संकरित कक्षकों की आकृति इस तरह से है। कार्बन के चारों तरफ तीन sp2 संकरित कक्षक प्लेनर ट्राइगोनल तरीके से समतल त्रिकोणीय रूप से विन्यासित हैं, जिनके बीच का कोण 120 डिग्री है। और ये एक कक्षक जो असंकरित रह गया है py कक्षक, ये इसी तरह से डबल शेप का है। कार्बन के चारों तरफ ये sp2 संकर कक्षक मान लीजिए एक ही तल में इस तरह से हैं कि एक इस तरह से sp2, दूसरा sp2 और एक तीसरा sp2। असंकरित कक्षक इसके लंबवत आधी लोग ऊपर और आधी लोग नीचे इस तरह से होगा। इसमें संकलित उदाहरण अपन देखें, इथीन। दोनों ही कार्बन sp2 संकर अवस्था में हैं। प्रत्येक कार्बन पर तीन sp2 कक्षक होंगे और एक असंकरित p कक्षक होगा। ये एक sp2, दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2 ऑर्बिटल। इसी तरह से इस कार्बन के तीन sp2 ऑर्बिटल बनाएं, ये एक sp2, ये दूसरा और ये तीसरा sp2 ऑर्बिटल। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक कार्बन पे एक असंकरित py कक्षक भी रह गया है, जो कि इस sp2 कक्षकों के तल के लंबवत। अब हम इसे इसी तरह से आधी लोग ऊपर और आधी लोग नीचे दिखा दिया हमने। इन कक्षकों के साथ हाइड्रोजन का विन्यास है 1s1। हाइड्रोजन का s कक्षक अतिव्यापित हो रहा है। असंकरित p कक्षकों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इनके ऊपर ऊपर की लोब और नीचे नीचे की लोब के बीच में अतिव्यापन होता है। तो ये जो अतिव्यापन है ये अंतर्नाभिकीय अक्ष पर है। इससे बनने वाला बंध सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है। ये अंतर्नाभिकीय अक्ष पर है, हाइड्रोजन और कार्बन के नाभि को जोड़ने पर बनने वाले अक्ष पर कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है, अतः यह भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है। लेकिन ये जो बंध बन रहा है इसमें अंतर्नाभिकीय अक्ष तो ये रह गई, अंतर्नाभिकीय अक्ष पर तो ये sp2 ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन असंकरित p कक्षकों के ऊपर ऊपर की लोब और नीचे नीचे की लोब ऊपर और नीचे ओवरलैप करने से अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे अतिव्यापित होने से बनने वाले बंध को पाई बंध कहते हैं। ये पाई बंध है। पाई बंध क्योंकि अतिव्यापन कम होगा अतः ये सिग्मा बंध की तुलना में दुर्बल बंध होता है। अब यहाँ बंधों का प्रकार देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच एक बंध बना है और ये कैसा है, सिग्मा बंध है। किन कक्षकों के अतिव्यापन से यह सिग्मा बंध बना है, ये sp2 कक्षक एक कार्बन और दूसरे कार्बन का भी sp2 कक्षक, उनके अतिव्यापन से बना है। और बाकी चार कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध हैं। ये बंध किन कक्षकों के अतिव्यापन से बन रहे हैं, ये sp2 कक्षक कार्बन का है यहाँ पे और s कक्षक हाइड्रोजन का है। चारों में ही इसी तरह से sp2 और s कक्षकों के अतिव्यापन से चार कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध प्राप्त हो रहे हैं। एक कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बन रहा है अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे लोब्स के अतिव्यापन से बनने वाला पाई बंध किन कक्षकों के अतिव्यापन से बना है, ये असंकरित py कक्षक है। ये कक्षक असंकरित py प्रत्येक कार्बन पर, तो यहां पर किन कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है, py, इस तरह से py कक्षकों का। कार्बन कार्बन
बंद की लंबाई यहां पर 134 पिकोमीटर है। कार्बन कार्बन बंद की ऊर्जा हमने sp3 संकरण में देखा था, कार्बन कार्बन बंद की ऊर्जा थी 80 किलो कैलोरी पर मोल। यदि पाई बंद भी बिल्कुल सिग्मा बंद के बराबर ही स्ट्रॉन्ग होता तो एनर्जी होनी चाहिए थी 160, लेकिन यहां पर ऊर्जा है 140 किलो कैलोरी पर मोल। इससे पता लगता है कि पाई बंद सिग्मा बंद की तुलना में दुर्बल है, अतः ऊर्जा दुगनी नहीं हुई, 80 का डबल 160 नहीं हो रहा, 140 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी आ रही है। और यहां शेप देखें तो प्लेनर ट्राइगोनल शेप, समतल त्रिकोणीय, और ऊर्जा एंगल देखें, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब हम देखते हैं sp संकरण। कार्बन का विन्यास 1s2, 2s2, 2p2, ग्राउंड स्टेट में 2s2 और 2p2 दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से p में जाने पे 2s1 और 2p3 हो गया। यहां sp संकरण में केवल एक s और एक p कक्षक, इन दोनों को ही मिलाया जाता है, क्योंकि हम दो कक्षकों को मिला रहे हैं तो बनने वाले संकर कक्षक कितने प्राप्त होंगे, दो ही प्राप्त होंगे। और कौन से प्राप्त होंगे, क्योंकि एक s और एक p मिलाया है, इसलिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहां दो असंकरित p कक्षक रह गए, इन्हें हम लिख देते हैं एक px और एक py, ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। दो sp कक्षक कार्बन के दोनों तरफ इस तरह से विन्यासित हैं, यहां भी एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब इसी तरह से sp कक्षक की आकृति, लेकिन हमने छोटी लोब को ओमिट कर दिया। और ये दो sp कक्षक कार्बन के दोनों तरफ 180 डिग्री के एंगल पे हैं, और ये लीनियर रेखीय या डायगोनल आ जाता है। और प्रत्येक कार्बन पे दो असंकरित पी कक्षक भी होंगे, और वो दो असंकरित पी कक्षक इस तल के तो लंबवत और आपस में भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। जैसे ये हमने अगर py बनाया तो इस तरह से px होगा, और ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री के एंगल पे और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होंगे। असंकृत पी कक्षक आपस में परपेंडिकुलर और इस तल के भी परपेंडिकुलर होंगे। अब सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अपन देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलीन इथाइन, यहां प्रत्येक कार्बन sp संकरित है, दोनों ही कार्बन sp संकरित है। अणु कक्षक बनाने पे एक sp कक्षक इधर बनाया, ये एक sp कक्षक, इस कार्बन के भी दो sp कक्षक, ये एक sp और ये एक sp, 180 के एंगल पे लीनियर शेप। और हाइड्रोजन का विन्यास है 1s1, यहाँ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से यहाँ भी कार्बन का और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन के अतिव्यापन से समाक्ष अतिव्यापन होने से सिग्मा बंद। प्रत्येक कार्बन पे दो असंकरित पी कक्षक इस तरह से विन्यासित होंगे, ये हमने py बना दिया, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और दूसरा हम px जो बना रहे हैं वो भी इस वाले के और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको स्लांटिंग बना देते हैं, इस तरह से थोड़ा तिरछा बना देते हैं। इन कक्षकों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया। अब इन कक्षकों का जो अतिव्यापन है वो अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे होगा, ये py और py, इन दोनों कक्षकों का अतिव्यापन इस तरह से दिखा दिया। और इसी तरह से ये px और ये वाला px कक्षक, इनके अतिव्यापन से तो
पी वाई का कक्षक, ये एक पाई बंद दे रहा है, और पी एक्स से ये दूसरा पाई बंद बन रहा है। तो इस तरह से दो पाई बंद बन रहे हैं असंकृत पीयक्षकों के अतिव्यापन से, और प्रत्येक कार्बन पर कार्बन कार्बन के साथ सिग्मा बंद और एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंद बन रहा है। यदि बंधों का प्रकार देखें तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंद है। किन कक्षकों के अतिव्यापन से बना है? क्योंकि ये अंतर्नाभिकीय अक्ष पर ये sp कक्षक इस कार्बन का और इस कार्बन का भी sp कक्षक, तो ये sp कक्षकों के अतिव्यापन से कार्बन कार्बन सिग्मा बंद है। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंद कितने हैं? दो। किन कक्षकों के अतिव्यापन से बने हैं? कार्बन का sp कक्षक और हाइड्रोजन का s कक्षक, तो ये sp और s कक्षकों के अतिव्यापन से बने हैं। यहां दो पाई बंद भी हैं, कार्बन कार्बन के बीच में दो पाई बंद हैं। ये पाई बंद किन कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से बने हैं? इस प्रकार का अतिव्यापन जो अंतर्नाभिकीय अक्ष के ऊपर ऊपर की लोब और नीचे नीचे की लोब के अतिव्यापन से बनता है उसे समपार्श्विक अतिव्यापन कहते हैं, और ये पाई बंद देता है। तो ये है एक तो पी वाई और पी वाई के बीच में, और दूसरा है पी एक्स और पी एक्स के बीच में। यहां कार्बन कार्बन बंध की लंबाई वन ट्वेंटी पिकोमीटर है, कार्बन कार्बन बंध की ऊर्जा अगर हम देखें कि सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 83 थी, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ना, एक सिग्मा बंद है और दो पाई बंद बने हैं, तो एनर्जी थ्री टाइम्स 240 होनी चाहिए, लेकिन यहां 210 किलो कैलोरी पर मोल। ये इसलिए कम है क्योंकि पाई बंधों की ऊर्जा सिग्मा बंध से कम होती है, अतः ऊर्जा का मान कम है। बॉन्ड एंगल देखें, बॉन्ड एंगल जो दो एसपी कक्षकों के बीच में बन रहा है ये 180 डिग्री, और शेप यहां पर लीनियर या इसे डायगोनल रेखीय भी है। इसी तरह से अकार्बनिक रसायन जहां पर अणुओं में एक केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालना हो, उसके लिए ये सूत्र बहुत आसानी से हम उसका संकरण ज्ञात कर सकते हैं। यहां HS तो है संकरण अवस्था, V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बृहत्तम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। X क्या है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एकल संयोजी एटम्स और ग्रुप्स, और C क्या है? अगर धनावेश है तो उसे घटाना पड़ेगा, चार्ज चार्ज ऑन कैटायन, और ए है चार्ज ऑन एनायन। इससे किस तरह से ज्ञात करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जैसे सपोज NH4 पॉजिटिव, ये इसमें हमें नाइट्रोजन की संकरण अवस्था ज्ञात करनी है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 2, 5 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। इस फॉर्मूले में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालें, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, वी की जगह पर 5 आ गया, प्लस मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन और हेलोजन, ये मोनोवेलेंट एटम्स हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले एटम 4 हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स 4 होते हैं, और धनावेश को हमें घटाना पड़ता है, चार्ज ऑन कैटायन, जितना धनावेश चार्ज है उसे माइनस करना पड़ेगा, तो -1 क्योंकि एक चार्ज है, एनायन है नहीं, तो ये इस तरह से फॉर्मूले में आंसर दिखना है, 5 + 4 = 9, 9 में से बन गया 8, 8/2 = 4।
अब ये जो हाइड्रेशन स्टेट का आंसर आता है उससे किस तरह से हम संकरण क्रिया करते हैं, अगर हाइड्रेशन स्टेट का आंसर 2 हो तो संकरण sp होगा, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d और 6 होगा तो sp3d2। इस तरह से HS के आंसर के द्वारा हम संकरण बता सकते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन की संकरण अवस्था कितनी हुई, क्योंकि चार आंसर आ रहा है तो नाइट्रोजन जो है sp3 संकरित अवस्था में। इसी तरह से PCl5 में फास्फोरस की संकरण अवस्था ज्ञात करनी है। तो यहां देखें फास्फोरस एटॉमिक नंबर है 15, 2, 8, 5, हाइड्रेशन स्टेट इज इक्वल टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और मोनोवेलेंट एटम हमने कहा हैलोजन भी मोनोवेलेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन मोनोवेलेंट एटम जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो ये 5 हैं और कोई चार्ज नहीं है ना कैटायन ना एनायन, इसलिए 10/2 आंसर कितना है 5 का मतलब है sp3d। तो फॉस्फोरस की हाइब्रेशन स्टेट कितनी है sp3d। इसी तरह से एक CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोनियम आयन के कार्बन की संकरण अवस्था ज्ञात करनी है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, 2-4 कॉन्फिगरेशन, हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 3 और चार्ज ऑन कैटायन को घटाना पड़ता है तो -1, 4+3 7, 7-1 6, 6/2, 3 आंसर आ रहा है। हाइब्रिडेशन स्टेट का आंसर 3 आए तो sp2, तो यहाँ कार्बन की संकरण अवस्था sp2। इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ एक ही केंद्रीय परमाणु हो, सेंट्रल एटम हो, उनके लिए हम इस फॉर्मूले से भी हाइब्रिडेशन स्टेट ज्ञात कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बॉन्ड स्ट्रक्चर को देख के बताया था, जैसे चारों अगर कार्बन पे सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 और एक डबल दो सिंगल sp2 और एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड या कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो तो sp संकरण, कार्बन में हम बंद संरचना के द्वारा भी बता सकते हैं।